इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पश्चिमी चंपारण के रामनगर से, जहां नारायणापुर स्थित अमन हॉस्पिटल में रक्त की कालाबाजारी का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि विगत 10 सालों से यह हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया जा रहा है, और विडंबना यह है कि योगापट्टी पीएचसी के दो सरकारी डॉक्टर ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में अमन हॉस्पिटल में इलाज करते हैं, जिनका नाम डॉक्टर अमितेश रंजन श्रीवास्तव और डॉक्टर एमएस रहीम है। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति अभिषेक कुमार, जो 2 यूनिट ब्लड के बदले 12,000 रुपये की मांग करते हुए नजर आ रहा है, जबकि रक्तदान समूह पूरे देश में लोगों को रक्त मुहैया कराने में दिन रात लगा हुआ है कि लोगों को खून की कमी से अपनी जान न गंवानी पड़े। वीडियो में दिख रहा संदिग्ध व्यक्ति अमन हॉस्पिटल का ही स्टाफ है, जिसकी पुष्टि वहां के डॉक्टरों ने की। जब इस वीडियो के बारे में हॉस्पिटल के डॉक्टरों से हमने बात की तो डॉक्टर साहब ने वीडियो बनाने वाले को जान से मारने तक की धमकी दी। हम लोग 2 यूनिट आता है 12,000 रुपया लेके जाता है, वही मुझसे बात किया, कुछ किया आपके पापा जी ने? इतना बढ़िया हॉस्पिटल अमन हॉस्पिटल नाम का भैया, मतलब समझिए 12,000 रुपये। हाँ तो क्या नहीं लग रहा है? एक बात बताइए, सुनिए ना, समय से पूछा गया ना तो 12,000 मिट्टी है, कुछ नहीं मिट्टी का बात है। हम सबसे पहले निगेटिव एक यूनिट का 25,000 दाम है, तो 35,000 देने के लिए तैयार है। नहीं, 25,000 दाम है, लेकिन 35 नहीं है। आप सुनिए, आप कह रहे हैं कि 35 देंगे, हम क्यों 35 लेंगे जब यहाँ पे 25 में आता है? देखो, हम 35 क्यों लेंगे ये बताइए, हम 35 क्यों लेंगे पता नहीं। बात हम नहीं किए हैं, आपको नंबर दिया, बात नहीं किया, पहुँच रहे हैं वो भी देखिए क्या होता है, वहाँ आदमी ये लोग सोचता है, नहीं हम उसको माना भी तो कर सकते हैं, अपना लेके जा अगर आदमी के यहाँ जरूरी है तो अभी तक आ गया, अभी हेमेक्सिल पूछिए आप किसी भी लय वाला, हेमेक्सिल चढ़ने के 3 घंटा बाद ब्लड चढ़ता है, आप कहीं भी लय आपके सुनू भी आए ना उनसे पूछ लीजिए, निकालोगे हेमेक्सिल को लगा है सर 3 घंटा के बाद ही चढ़ेगा ब्लड, पहले नहीं चढ़ेगा। 7 बजे तो वो हुआ है, 7 भी नहीं उसको, उनको ब्लड लगेगा 8 बजे, पहले हेमेक्सिल में चढ़ाया गया है। पैसा पेमेंट हो गया तो रिटर्न तो नहीं करेंगे, वही ना परेशानी है। तो बात होगा पहले आ रहा है आपको, बात करके देखो बोलो।